गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हमने डे वन यानी कि महाबलीपुरम का पार्ट वन दिखाया है। एडिटिंग में ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ये पार्ट टू हम आज लेके आए हैं। आज हम दो जगह कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज कृष्णास बटरबॉल, जो कि पुराणों की माने तो एक ऐसा अजूबा है जो कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो नहीं करता, और ये 1200 टन का पत्थर एक तिनके के सहारे ढलान पर टिका हुआ है। And the second place we are going to visit today is not only India's but world's famous place. यहाँ का सौ टेम्पल जैसे कि यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये दो जगह घूम के हमारा महाबलीपुरम यानी कि डे वन कम्प्लीट हो जाएगा, और फिर एक नई जगह और एक नए एडवेंचर के साथ हम डे टू लेके अगले हफ्ते वापस आएंगे। जिन्होंने गलती से हमारा पार्ट वन मिस कर दिया है वो लोग स्क्रीन पे बने बॉक्स पे क्लिक करें, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल रखा है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वंडर व्हिच आई हैव बीन डाइंग टू सी, कृष्णास बटरबॉल। टेंपल जो कि हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यहाँ से 2 किलोमीटर है। अभी हम सीधे जा रहे हैं कृष्णा बटर बॉल की तरफ, लेकिन यहाँ पे वो लिखा नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है। ये पत्थर जो आपको यहाँ स्लोप पे रखा हुआ दिख रहा है, इसका वजन लगभग 1200 टन है, और ये 1500 साल से यहाँ ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं एक छोटे से पॉइंट के सहारे पूरा बड़ा सा पत्थर यहाँ टिका हुआ है इतने टाइम से। इसको हटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है। एक अंग्रेज ने 7 हाथियों को लगवाया था इस पत्थर को अपनी जगह से हटाने के लिए, बट वो कामयाब नहीं हुए। रॉक कट गणेशा टेम्पल, अच्छा मतलब उस साइड गणेश मंदिर है। फोटो में देख के लगता है कि ये फेक है, फोटोशॉप होगा। ये जगह दुनिया की कुछ ऐसी जगहों में आती है जिन्हें आप जब तक आंखों से ना देखें तब तक आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है दुनिया में। ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही यहाँ पे रखा था, और इसलिए इसका नाम कृष्णास बटरबॉल रखा गया है। बटरबॉल शायद इसलिए कहा गया होगा क्योंकि कृष्ण भगवान को मक्खन बहुत पसंद था। पत्थर और ज़मीन के बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखिए कितना कम है, उसके सहारे इतना बड़ा पत्थर टिका हुआ है। ये सच में एक चमत्कार ही हो सकता है। वो है गणेशा टेम्पल, जूम करके दिखाता हूँ, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। आ चुके हैं गणेश मंदिर। ये हमारे इंडिया में 1000-1500 साल पहले जब मंदिर अपने पूरी प्रकाष्ठा पे नहीं आए थे तो उनका आर्किटेक्चर काफ़ी ट्रिवियल स्टेज पे था। आप देख सकते होंगे ये मंदिर जो दिख रहे हैं आज हमारे आज के मॉडर्न मंदिरों की तरह नहीं है। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रोया गोपुराम। दिस मॉन्यूमेंट इज एन इनकम्प्लीट गोपुराम विद अ हाई मोल्डेड स्थान एंड द डोर जैम्स इरेक्टेड ओवर द समिट ऑफ द हिल ऑफ पॉसिबिली ऑफ विजयनगर पीरियड। ब्यूटिफुल स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन आर फाउंड इन दिस डोर जैम ऑफ गोपुराम। ये बताया जा रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये विजयनगर एम्पायर का, और ये पूरी तरह बन नहीं पाया था अपने इनकम्प्लीट स्टेज पे। ये जो एरिया है पूरा महाबलीपुरम का, ये दोनों साइड वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। एक साइड तो हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया और दूसरे साइड बैक वाटर्स, इसलिए यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है। वो रहा लाइट हाउस, वो जो लाइट हाउस है ना वो लगभग 600 एडी का बना हुआ है, 1400 ईयर्स पुराना है। इंडिया का पहला लाइट हाउस है। देखो पहले के मंदिर कैसे गुफा के अंदर काट के बनाया जाता है।
जाने की लालच लोगों को जान का रिस्क दिलवा देती है। देखो लड़का जान का रिस्क लेके गया है। व्यू आना बहुत अच्छा है। लगता है सिक्योरिटी गार्ड जो रोकेंगे वीडियो बनाने से। रोकेंगे तो नहीं बना हुआ। हाँ देखते हैं पूरा यहाँ से बीच दिख रहा है। वाह यार गजब है। कहाँ से? इधर से। आप लोग कहाँ से हैं? जो अपने साइड के लोग होते हैं ना, जो हिंदी भाषी लोग हैं ना, वो ज़्यादा नाटक नहीं करते। वहाँ भी पानी है, आगे तो है ही, और यहाँ भी पानी है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। अभी चलेंगे वहाँ, बहुत बढ़िया। ये हमारा मंदिर। यहाँ से कुछ ये उनका स्विमिंग पूल टाइप लग रहा है। यहाँ से उतर के नीचे जाके नहाते होंगे, वैसे ही होगा। वो रहा मंदिर।